इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की सोफिया को देखते हैं जो अपने घोड़े मैरुलू पर राइड करके घर वापस आती है। उसको ऐसे घोड़े पर वापस आता देख उसका भाई कहता है कि अगर उनकी मदर को इस बारे में पता चला तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेंगी, पर सोफिया कहती है कि उन्हें इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। पर तभी उसकी मदर उसके पीछे आ जाती है। अपनी मदर को देखने के बाद सोफिया के पास कुछ कहने के लिए रह ही नहीं जाता और उसकी मदर उससे पूछती है कि वो वापस मैरुलू पर बाहर क्यों गई। ये उसके लिए काफी खतरनाक भी हो सकता है, जिस पर सोफिया अपनी मदर से कहती है कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो उन्हीं रास्तों पर गई थी जहां उसके फादर उसे ले जाया करते थे। फिर सोफिया मैरुलू को बांधने चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया के लिए एक बॉक्स आता है जिसमें लेटर था नोसियोर एकेडमी की तरफ से, जो सोफिया को अपनी एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे थे क्योंकि उस एकेडमी में सिर्फ बेस्ट हॉर्स रेसर को ही लिया जाता है और सोफिया भी एक काफी शानदार हॉर्स रेसर है। ये देखकर वो काफी खुश होती है और वो अपनी मदर से उस एकेडमी में जाने के लिए पूछती है, पर उसकी मदर उसे वहाँ जाने से साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर वो काफी निराश हो जाती है और कहती है कि अगर उसके फादर आज यहाँ पर होते तो उसे कभी नहीं रोकते, जिस पर उसकी मदर कहती है कि पर अब उसके फादर यहाँ नहीं हैं और पहले ही उनकी फैमिली ने काफी कुछ खोया है और अब वो सोफिया को भी नहीं खो सकते। ये सब सुनकर सोफिया काफी निराश होकर बिना कुछ कहे ही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी पर सोफिया अब भी उसी बारे में सोच रही थी। फिर वो मैरुलू के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। फिर बिना अपनी मदर की परमिशन के सोफिया मैरुलू के साथ राइड पर चली जाती है जहाँ उसे काफी ज्यादा मजा भी आता है। पर जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी मदर उसी के रूम में है और उन्हें भी पता चल गया था कि वो वापस मैरुलू को लेकर गई थी। फिर सोफिया की मदर उसे अपने साथ बिठाती है और उसके साथ काफी सारे बातें करती है। उसकी मदर उसे बताती है कि उसके फादर भी एक एकेडमी में गए थे। ये सुनकर सोफिया थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर उसकी मदर उसे जल्दी से सो जाने को कहती है क्योंकि कल उसे अपनी नई एकेडमी में जाना था। ये सुनकर सोफिया काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी मदर उसे एकेडमी भेजने के लिए मान चुकी है। अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ आ जाती है और वो देखती है कि एकेडमी वाले ने उसके लिए एक बोट भेजी है और वो अपनी फैमिली को बाय करके अपने बोट में बैठ जाती है। वो देखती है कि बोट में कोई ड्राइवर नहीं है और वो बोट ऑटोमेटिक चलने लगती है, जिससे उसे लगता है कि उसकी नई एकेडमी तो काफी ज्यादा एडवांस है। वहां से कुछ आगे जाने के बाद उस बोट के अपने पंख आ जाते हैं और वो उड़ने लगती है। सोफिया ये सब देखकर काफी हैरान थी और वो उसे एंजॉय भी कर रही थी, जिसके बाद वो बोट सोफिया को एक आइलैंड पर ले आती है। हालांकि सोफिया को ये सब मैजिकल सपना लग रहा था, पर तभी एक फार्म्स नाम का बंदा सोफिया के सामने आता है और उसे बताता है कि ये सब कोई सपना नहीं है और उसे एकेडमी तक ले जाने की कहता है, जिसके बाद फार्म्स के साथ जाते हुए सोफिया उसे बताती है कि उसे इस एकेडमी के लिए ऑफर नहीं आया था। तभी सोफिया अपना लेटर निकालती है पर उस लेटर में लिखी एकेडमी का नाम अपने आप बदल जाता है और यूनिकॉर्न एकेडमी हो जाता है। ये देखकर सोफिया काफी हैरान होती है और तभी फार्म उससे कहने लगता है कि वो भी उन्हीं कुछ लोगों में से एक है जिन्हें लगता है कि मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती और यूनिकॉर्न असलियत में नहीं होते, जिस पर सोफिया कहती है कि हाँ वो तो हकीकत में नहीं होते हैं। पर फार्म सोफिया को जल्दी से चलने की कहता है क्योंकि उसका ओरिएंटेशन शुरू होने वाला है। तभी कुछ सामान की वजह से सोफिया गिर जाती है, जो कि एक लड़की वेलेंटीना का था और वो काफी अमीर लड़की है। और तभी एक और लड़की एवा सोफिया के पास आती है और उसे उठाने में उसकी मदद करती है और उससे बात करने लगती है। एवा उसे बताती है कि उसके भाई भी इसी एकेडमी में पढ़ते थे और जैसे ही एवा को भी इस एकेडमी में ज्वाइन होने का ऑफर मिला, उन्होंने उसे इस एकेडमी के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी सामने से उनके आगे तीन लोग आते हैं जो तीनों ही यूनिकॉर्न पर बैठे थे। उन्हें देखकर सोफिया और बाकी सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से बीच वाली लेडी अपने यूनिकॉर्न के मैजिक से पूरे एकेडमी को डेकोरेट कर देती है क्योंकि आज काफी खुशी का मौका था। फिर वो लेडी बताती है कि उसका नाम प्रिमरोज है और वो इस एकेडमी की हेडमास्टर है। और फिर वो बताने लगती है कि ये यूनिकॉर्न एकेडमी है और दुनिया में जितना भी मैजिक है सब यहीं से होकर जाता है। साथ ही यूनिकॉर्न उस मैजिक के रक्षक हैं और उन लोगों को उनकी काबिलियत की वजह से इस यूनिकॉर्न इतिहास का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है। वो सभी को आज के लिए आराम करने की कहती है क्योंकि उनका सफर कल से शुरू होगा, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स एकेडमी के अंदर आ जाते हैं जो दिखने में लाजवाब थी। सभी स्टूडेंट्स उसे देखते ही रह जाते हैं और फिर सभी के रूम्स फेरी डिसाइड करती है और सोफिया और एवा को एक ही रूम मिला था, जिससे एवा काफी खुश होती है। उन सभी को भी अपने रूम काफी पसंद आते हैं क्योंकि वो रूम्स उनकी पसंद के हिसाब से बनाए गए थे। ऐसे ही रात हो जाती है और रात में सोफिया और एवा एक लड़की मीरा से मिलती है जो उन्हें बताती है कि इस आइलैंड पर सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं बल्कि गॉब्लिन्स, बीस्ट और मॉन्स्टर्स भी हैं। और एक विलेन थी जिसका नाम रेवेनजिला है और उसने काफी टाइम पहले इस पूरे आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी, पर एक बहादुर यूनिकॉर्न सवार ने उसे हरा दिया और हमेशा के लिए सील कर दिया।
अगले दिन सभी प्रिमरोज के साथ एक फॉरेस्ट में आते हैं जहां सभी को पता चलने वाला था कि क्या उनके लिए कोई यूनिकॉर्न बना भी है या नहीं। फिर सभी के पास एक फेरी आ जाती है और प्रिमरोज बताती है कि अगर वो अपने किस्मत में लिखे यूनिकॉर्न से मिल जाते हैं तो उनकी फेरी ज्यादा ग्लो करने लगेगी, पर अगर किसी को उसका यूनिकॉर्न नहीं मिलता तो उसे वापस घर जाना होगा। साथ ही प्रिमरोज सभी को चमकते पत्थर की दीवार को पार करने से मना करती है, जिसके बाद सभी तैयार थे अपने यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए और सभी फॉरेस्ट में चले जाते हैं। उन सभी को काफी जल्दी ही अपने यूनिकॉर्न मिल जाते हैं, पर सिर्फ सोफिया को ही उसका यूनिकॉर्न नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है और वो उसके ऊपर जाकर यूनिकॉर्न ढूंढने की सोचती है, पर वो पेड़ उस चमकते पत्थर की दीवार के पार था। वो ज्यादा नहीं सोचती और उस दीवार को पार कर लेती है और फिर वो उस पेड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो पेड़ अपनी डालियों से सोफिया को पकड़ने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर एक यूनिकॉर्न आ जाता है जो सोफिया को उस पेड़ से बचा लेता है और तभी उसकी फेरी भी चमकने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये उसी की यूनिकॉर्न है। लेकिन वो यूनिकॉर्न सोफिया से दूर जाने लगता है। वो उसे अपने बारे में बताती है और जैसे ही वो यूनिकॉर्न सोफिया की शर्ट देखता है वो उसके पास आ जाता है और वो उसे बताती है कि ये उसके फादर की शर्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी को उनके यूनिकॉर्न मिल चुके थे, लेकिन वहां पर सिर्फ सोफिया ही अभी तक नहीं आई थी। तभी वहां सोफिया भी आ जाती है अपने यूनिकॉर्न के साथ। सभी उसे देखकर काफी खुश होते हैं, पर टीचर उसके कपड़ों पर उसी पेड़ का एक पत्ता देखती है और पूछने लगती है कि मना करने के बाद भी वो उस चमकीले पत्थर की दीवार को पार क्यों की। और उसकी इस गलती की वजह से उसकी टीचर उसे अपना सामान पैक करने को कहती है, क्योंकि उसने एकेडमी के रूल्स को तोड़ा था। सोफिया काफी निराश होती है और उसका यूनिकॉर्न भी काफी निराश होता है। इसके बाद वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी सोफिया अपने फादर का एक पुतला देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर भी इसी एकेडमी में थे। तभी प्रिमरोज उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसके फादर एक काफी अच्छे स्टूडेंट थे। जिसके बाद सोफिया के फादर अपने घर वापस लौट गए, पर जब भी आइलैंड को उनकी जरूरत पड़ी वो वापस जरूर आते। और 5 साल पहले रेवेंजिला नाम की एक विलन ने उनके आइलैंड पर अटैक कर दिया और सोफिया के फादर ने अपनी कुर्बानी देकर आइलैंड को बचा लिया। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है और वो समझ जाती है कि उस बुक में जिसकी बात हुई थी वो उसी के फादर थे। पर वो कहती है कि उन्हें तो बताया गया था कि उसके फादर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। जिस पर प्रिमरोज बताती है कि आम दुनिया तक यहाँ की बातें नहीं पहुँचनी चाहिए, इसीलिए उन्हें ये करना पड़ा। और तभी सोफिया को ये भी पता चलता है कि जो यूनिकॉर्न उसका है वो पहले उसके फादर का था और उसके यूनिकॉर्न का नाम वाइल्ड स्टार है। और फिर प्रिमरोज उसे बताती है कि जब एक यूनिकॉर्न का राइडर नहीं रहता तो उस यूनिकॉर्न की मैजिकल पावर्स भी चली जाती है। जिस पर सोफिया कहती है कि मतलब सिर्फ सोफिया ही वाइल्ड स्टार की पावर्स वापस ला सकती है। प्रिमरोज फिर उससे कहती है कि ये उसकी पहली गलती है, इसीलिए उसे माफ करने को कहती है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि सोफिया वापस आगे से ऐसे रूल तोड़ेगी। जिसके बाद सोफिया वापस अपनी क्लास के पास आ जाती है और प्रिमरोज वहां पर आकर सभी को बताती है कि अब जब उनके पास उनके यूनिकॉर्न मिल चुके हैं तो वो सभी एक मैजिकल सर्कल से निकलकर अपनी यूनिफॉर्म ले सकते हैं। फिर सभी एक एक करके अपने यूनिकॉर्न के साथ उस सर्कल को पार करते हैं और उन सभी को उनकी यूनिफॉर्म मिल जाती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग शुरू होती है और टीचर उन्हें बताती है कि उन्हें अपने यूनिकॉर्न के साथ बॉन्ड बनाना होगा और उसके बाद ही वो मैजिकल पावर यूज कर पाएंगे। सभी अपने अपने यूनिकॉर्न के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं, पर सोफिया का यूनिकॉर्न हर चीज में कम ही कर रहा था और सोफिया को उसकी स्किल्स नहीं दिखाने दे रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे सभी का बॉन्ड अपने अपने यूनिकॉर्न के साथ बन जाता है और सिर्फ सोफिया ही रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया इसी बारे में एवा से बात कर रही होती है। एवा बताती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वाइल्ड स्टार सोफिया के फादर को बचा नहीं पाई, इसीलिए वो उसे भी खतरे में नहीं डालना चाहती हो। सोफिया को भी लगता है कि ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि उसे कुछ हो ना जाए इसीलिए वाइल्ड स्टार अपना टैलेंट नहीं दिखा रही है। तभी उन्हें वाइल्ड स्टार के चिल्लाने की आवाज आती है और जब सभी स्टूडेंट जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग वाइल्ड स्टार को चुरा कर ले गए हैं। ये सुनकर सोफिया वाइल्ड स्टार की मदद करने जाने की कहती है और बाकी सभी भी उसके साथ चलने की कहते हैं। फार्म्स उन्हें बताता है कि वो लोग वाइल्ड स्टार को क्रिस्टल गुफा में ले जाने की कह रहे थे। ये सुनकर मीरा बताती है कि रेवेंजिला को भी वहीं कैद करके रखा गया है। सभी वाइल्ड स्टार को बचाने निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक ब्रिज आता है जिसकी दूसरी तरफ एक क्रिस्टल गुफा थी। सभी उस ब्रिज को पार करने लगते हैं, लेकिन तभी वो ब्रिज एक तरफ से टूट जाता और सभी लटक जाते हैं। तभी वहां पर रॉय आता और अपने यूनिकॉर्न से जंप मारकर दूसरी साइड जाता है, जिससे उसका और उसके यूनिकॉर्न का भी बॉन्ड बन गया था और दोनों के पास पावर आ जाती है। फिर वो एक पेड़ को गिराकर सभी के लिए ऊपर आने का रास्ता बना देता है, जिसके बाद वो सभी क्रिस्टल गुफा तक आ जाते हैं और देखते हैं कि रेवेंजिला ने वाइल्ड स्टार को बांध करके रखा है। तभी वहां पर फार्म्स भी आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो रेवेंजिला के साथ मिला हुआ है। इसके बाद रेवेंजिला सोफिया को अपने पास बुला लेती है और बाकियों को नीचे फेंक देती है। तभी रेवेंजिला सोफिया से उसके फादर का दिया लॉकेट ले लेती है,
जो कि असल में रेविंजिला के उस कैद से निकलने की चाबी थी, और उसकी मदद से वो बाहर आ जाती है और अब पूरे आइलैंड पर अपना कब्जा करने की कहती है। तभी रेविंजिला सोफिया पर अटैक करती है, पर वाइल्ड स्टार सोफिया को हटा देता है, जिससे वो अटैक उसे ही लग जाती है। वाइल्ड स्टार वहीं पर गिर जाती है और रेविंजिला उस जगह को तोड़कर वहां से निकल जाती है। सोफिया वाइल्ड स्टार की ऐसी हालत देखकर रोने लगी थी, क्योंकि वाइल्ड स्टार ने तो उसे हमेशा बचाने की कोशिश की थी। तभी गुफा के बाहर उसके दोस्त आ जाते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब गुफा के अंदर कैसे जाया जाए, क्योंकि उस गुफा का गेट पत्थरों से बंद हो चुका था। तभी उन्हें अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वो देखते हैं कि वाइल्ड स्टार और सोफिया बाहर आ गए हैं। वहीं रेविंजिला एकेडमी पर पहुंच चुकी थी और अपने मैजिक से सभी यूनिकॉर्न की मैजिकल एनर्जी को छीन रही थी, जिससे वो उसके खिलाफ फाइट ना कर पाए। पर रेविंजिला पूरी तरह से कब्जा करती, इससे पहले वहां हमारे हीरो आ जाते हैं और रेविंजिला से फाइट करने लगते हैं। रेविंजिला अपने साथियों को सभी को मारने के लिए भेज देती है, पर सभी मिलकर उन्हें आसानी से हरा देते हैं। पर तभी रेविंजिला अपने मैजिक से सिर्फ सोफिया को छोड़कर बाकी सभी के यूनिकॉर्न की पावर छीन लेती है। सोफिया अपनी शील्ड की वजह से बच जाती है। तभी रेविंजिला वहां से भागने लगती है, पर सोफिया उसे जाने नहीं देती और उसके पीछे जाती है। रेविंजिला काफी सारे अटैक करती है, जिसकी वजह से वाइल्ड स्टार की पावर कम होने लगती है और वो ज्यादा अच्छे से रेविंजिला के अटैक से बच नहीं पा रही थी। ये देखकर रेविंजिला हंसने लगती है और सोफिया से कहती है कि वो उसे उसके फादर की तरह कभी नहीं हरा पाएगी। तभी वाइल्ड स्टार को मूनलाइट से पावर मिलती है और वो वापस से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और तभी वाइल्ड स्टार रेविंजिला पर एक काफी स्ट्रांग अटैक करती है, जिससे रेविंजिला पत्थर में बदल जाती है और पानी में गिर जाती है। उसके हारते ही उसका मैजिक भी खत्म हो जाता है और सभी यूनिकॉर्न पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। फिर सभी की काफी तारीफ होती है और प्रिमरोज भी कहती है कि उन सभी ने काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया वाइल्ड स्टार के साथ फॉरेस्ट में घूम रही होती है और घूमते हुए सामने से उसे उसके फादर मिल जाते हैं और वो उनसे बात करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर रेविंजिला आ जाती है और सोफिया के फादर पर अटैक कर देती है, जिससे उसके फादर रेविंजिला के मैजिक में फंस जाते हैं। उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि उन्हें उसे कुछ जरूरी बात बतानी है, लेकिन तभी सोफिया की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि वो अभी सिर्फ एक सपना देख रही थी। इसके बाद वो एवा को भी अपने सपने के बारे में बताती है, पर एवा उसे इसके बारे में ज्यादा ना सोचने की कहती है, क्योंकि अपने फादर के बारे में हर टाइम सोचने से सोफिया को तकलीफ ही होगी। जिसके बाद सभी अपने क्लास के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें आज बैरी इकट्ठा करनी थी। सभी बैरी इकट्ठा करने के लिए जाने भी लगते हैं और वो उसे एक रेस बना देते हैं, लेकिन वाइल्ड स्टार को कुछ अजीब दिखता और वो उसके पीछे जाने लगती है। बाकी सभी भी सोफिया के पीछे जाते और वो सभी एक दीवार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एवा का यूनिकॉर्न वहां आता और उस दीवार के फूलों को हटाकर सभी को एक गेट दिखाता है। उन्हें अंदर जाना सही तो नहीं लगता, पर फिर भी वो सभी वैलेंटीना के कहने पर अंदर चले ही जाते हैं। अंदर का कैसल काफी ज्यादा सुंदर था, सभी को वो काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। फिर वो चारों दो दो के ग्रुप में बढ़ जाते और कैसल में घूमने लगते हैं। एवा और सोफिया एक साथ थी और वो अपने आप ही एक रूम में आ जाती है, जहाँ एक काफी चमकदार स्टोन रखा हुआ था। एवा उसे देखने लगती है, लेकिन जैसे ही उनकी नजर कहीं और जाती है, इतने में एक डार्क एनर्जी का बॉल उस स्टोन में घुस जाता है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगती है। फिर वो एनर्जी बॉल उस स्टोन को तोड़कर वहां से निकल भी जाती है। वो पूरी जगह गिरने लगती है और एवा उस टूटे हुए स्टोन को अपने साथ ले लेती है और इसके बाद वो वहां से निकलने लगती है। और इधर वैलेंटीना और उसके साथी भी बाहर आ जाती हैं। तभी उन्हें मीरा और रॉय भी बाहर मिलते हैं, जो उनके पीछे पीछे यहाँ तक आए थे। तभी उन्हें वही डार्क एनर्जी बॉल दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये रेविंजिला की पावर से बना होगा। वैलेंटीना उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो बॉल बचकर वापस कैसल में चली जाती है। वो सभी भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट बंद हो जाता है और वो सभी उस गेट पर अटैक करने के बाद भी उस गेट के अंदर नहीं जा पा रहे थे। वहीं सोफिया और एवा बाहर जाने की कोशिश कर रही थी और उन्हें भी वो एनर्जी बॉल दिखता है। वो उसके पीछे जाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उनके सामने की जमीन ही टूट जाती है। सोफिया वाइल्ड स्टार की पावर से वहां पर एक ब्रिज बना देती है, जिसे एवा तो पार कर लेती है, लेकिन जब सोफिया और वाइल्ड स्टार पार करने लगते हैं, उनके नीचे की जमीन टूट जाती है, जिसकी वजह से सोफिया गिरने वाली थी। पर एवा अपनी पावर से एक रूप बना देती है और सोफिया को बचा लेती है। फिर वो आगे जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो गेट बंद मिलता और वो कैसल भी गिरने वाला था।